एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। गाइज कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब ठीक होंगे। दोस्तों अगर आप सब भी इस तरह का वीडियो अगर बनाना चाहते हैं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक हमारे साथ देख लीजिएगा तो आप सबको पूरी स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। अगर तो चलो दोस्तों अब यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते। दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आप सभी को सबसे पहले एक एप्लीकेशन को जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है दोस्तों अलाइट मोशन। आप सभी को आना अलाइट मोशन एप्लीकेशन आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जाकर आप सभी आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, डाउनलोड करने के बाद अब आप सभी को करना क्या, सिंपली से आप लोग अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ जाने। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं पहले से मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ चुका। आ जाने के बाद अब आप सभी को यहाँ से करना क्या होगा, सिंपली से अपने फाइल मैनेजर में चले जाना। ठीक है, फाइल मैनेजर में जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को जहाँ पर डाउनलोड फाइल होगा उस डाउनलोड फाइल में आप लोगों को जाना है। उससे पहले आप सभी मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए और वहाँ पर दोस्तों आप सभी को दो लिंक मिलेगा। एक फर्स्ट आप सभी को मिलेगा सॉन्ग बीट मार्क XML, उसके बाद चेक इफेक्ट XML। तो आप लोग उन दोनों को डाउनलोड कर लेना। दोनों डाउनलोड करने के बाद आप सभी का डाउनलोड फाइल में इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, सॉन्ग बीट मार्क XML बाय जिक्सटेक, और एक लिखा रहेगा इफेक्ट बाय जिक्सटेक XML। ओके, तो आप लोग को सिंपली से उसको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आप सभी को सॉन्ग बीट मार्क वाले पे इस तरीके से डबल प्रेस करते रहना। उसके बाद इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं अलाइट मोशन आ रहा था, इस अलाइट मोशन में इसको इंपोर्ट कर देना। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ से फिर से हमारा जो अलाइट मोशन में इंपोर्ट हो चुका है। फिर से आप सभी को इफेक्ट वाले पर इस तरीके से डबल प्रेस करते रहना, शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके इसको भी यहाँ से अलाइट मोशन में इसको इंपोर्ट कर देना। ओके, देख सकते दोस्तों यहाँ से मैं जो अलाइट मोशन में इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों अब आप लोग यहाँ से करना क्या, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आप सभी को यहाँ से अपने मोबाइल में से अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना। ठीक है, तो देख सकते दोस्तों यहाँ पर मैंने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। कर लेने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे जाना है। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप सभी ने देख सकते हैं यहाँ पर जो दोनों लिंक को यहाँ पर आप सभी ने जो दोनों प्रेसेट को यहाँ पर जो इंपोर्ट किया था दोनों आप सभी के अलाइट मोशन में आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप सभी को सॉन्ग बीट मार्क वाले पर क्लिक करना। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिरिक्स बन के आ चुका है। आ जाने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या, उसमें से अगर यहाँ पर आप लोग देख सकते टेक्स्ट कुछ इस तरीके के है। अगर दोस्तों आप सब यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह अगर चेंज करना चाहते तो आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली से इसी लेयर पर टच करना है। उसके बाद इसी एडिट टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से दोस्तों आप सभी जो भी टेक्स्ट रखना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी टेक्स्ट आप लोग यहाँ से रखना चाहते हो वो टेक्स्ट यहाँ से रख लीजिए। देख सकते फ्रेंड्स मैंने यहाँ से इसी टेक्स्ट को रख के यहाँ से डाउन कर दिया। डाउन कर देने के बाद अब आप सभी को करना क्या, मतलब फिर से आप सभी यहाँ पर देख सकते टेक्स्ट है तो इस पर भी टेक्स्ट वगैरह चेंज करना चाहते तो फिर से आप सभी को इस टेक्स्ट वाले पर टच करना है, इस एडिट टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से दोस्तों आप सभी जो भी टेक्स्ट यहाँ से रखना चाहते हो उस टेक्स्ट को रख के यहाँ से डन कर दीजिएगा। ओके, डन कर देने के बाद अब आप सभी को यहाँ पर कुछ इसी तरीके से इस पर भी आप सभी को टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, वरना ये भी ठीक लग रहा है। ओके, तो देख सकते फ्रेंड्स यहाँ से मैंने कुछ इसी तरीके से कर लेना। उसके बाद आप सभी को कुछ इसी तरीके से आगे आ जाना है। आगे आने के बाद दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते कि आप लोगों को यहाँ पर बीट देखने को मिलेगा। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पर सभी बीट पे आप सभी को फोटो को ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए आप सभी को यहाँ पर फर्स्ट बीट में यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद इस प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया में जाना, और मीडिया में जाने के बाद दोस्तों अब आप सभी को यहाँ से करना क्या होगा, जिसके भी फोटो और इमेज से फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग बनाना चाहते हैं यहाँ से दोस्तों आप सभी को उसको इमेज को यहाँ पर एड करना है। देख सकते दोस्तों ऐसे मैंने कर दो। कर देने के बाद इस थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया में कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आगे आ जाए अगला बीट पर और यहाँ से दोस्तों इस वाले आइकन पर क्लिक करके कर लगाना है। फिर से प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। फिर से दोस्तों आप सब यहाँ से जिसके भी मेजर फोटो बनाना चाहते हैं उसको इमेज को एड करके थ्री डॉट पर क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरिया में करके फिर से आप सभी को नेक्स्ट बीट पर इस तरीके से आ जाना है और इस वाले आइकन पर क्लिक करके कट लगाना है। फिर से प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। फिर से इमेज को एड करके थ्री डॉट पर क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरिया में करके फिर से अगला बीट पर आकर के दोस्तों इस वाले आइकन पर क्लिक करके कट लगाना। ओके, फिर से आप लोगों को इस प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। फिर से आप सभी को इमेज को एड करके थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया में करके दोस्तों इस वाले आइकन पर आकर के अगला बिट पर और ये इस वाले आइकन पर क्लिक करके कट लगाना है। फिर से प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। फिर से इमेज को एड करके थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया में कर देना। फिर से आप सभी को नेक्स्ट बिट पर आ जाना है। फिर से इस वाले आइकन पर क्लिक करके कट लगा देना। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर जितना भी जो बिट देख रहे हैं सभी बिटों पर आप सभी को यहाँ पर फोटो को एड करना है। ठीक है, तो चलो दोस्तों यहाँ से मैं इस काम को थोड़ा सा स्किप कर दे रहा हूँ। अगर दोस्तों आप सभी को मैं कुछ इस तरीके से वन बाय वन को फोटो करके एड करके दिखाऊं तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और दोस्तों आप लोग वॉच नहीं कीजिएगा। तो चलो दोस्तों यहां से मैं फोटो को एड कर लाता हूं बिट के हिसाब से और इस काम को थोड़ा सा स्किप कर दे रहा हूं।
सो हे गाइस, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी बीट था सभी पे मैंने फोटो को एड कर दिया। वो कर देने के बाद अब आप लोगों को कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग तरफ आ जाना। आने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ से करना क्या है, एक बार बैक आना। बैक आने के बाद दोस्तों आप लोगों को शेक इफेक्ट में इस तरीके से चले जाना है। शेक इफेक्ट में जाने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा, पहले वाली इमेज पर टच करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर देना। ओके, उसके बाद यहाँ से फिर से बैक आना, फिर से आप लोगों को सॉन्ग बीट मार्क में इस तरीके से जाना है। ठीक है, सॉन्ग बीट मार्क में जाने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ से करना क्या होगा, कुछ इस तरीके से ऊपर स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ से दोस्तों जहाँ से हमारा इमेज स्टार्ट हो रहा है आप लोगों को वहाँ पर आ जाना। आने के देख सकते फ्रेंड्स 10 सेकंड पर आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, आने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते जो इमेज एड किया था उस इमेज पर 10 सेकंड वाले पर टच करना है। इफेक्ट में जाना है, थ्री पर क्लिक करके यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर से यहाँ से दो फोटो को छोड़ करके तीसरा फोटो पर क्लिक करना, फिर से इफेक्ट में जाना है, थ्री पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर से यहाँ से दो फोटो को छोड़ करके तीसरा इफेक्ट में इमेज पर क्लिक करना, फिर से इफेक्ट में जाना है, थ्री पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर से आप सभी को दो इमेज को छोड़ देना है, फिर से तीसरा फोटो पर टच करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर से आप सभी को यहाँ से दो फोटो को छोड़ करके तीसरा इमेज पर टच करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर से आप सभी को दो इमेज को छोड़कर तीसरा इमेज पर टच करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर से आप सभी को दो इमेज को छोड़ करके तीसरा इमेज पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर से दो फोटो को छोड़कर फिर से तीसरा फोटो पर टच करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो दोस्तों अब आप सभी को कुछ इस तरीके से दो फोटो को छोड़ करके तीसरा फोटो पर आप लोगों को क्लिक करके दोस्तों इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना। देख सकते दोस्तों यहाँ से मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ इस तरीके से करना। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी यहाँ से दो फोटो को छोड़ करके जो तीसरा फोटो आ रहा है उस फोटो पर जाकर के इफेक्ट में जाकर के थ्री पर क्लिक करके आप सभी को यहाँ से इफेक्ट को पेस्ट कर देना होगा। देख सकते दोस्तों यहाँ से मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आप लोगों को भी कुछ उसी तरीके से करना। ठीक है, देख सकते दोस्तों यहाँ से मैंने कर दिया हूँ। कर देने के बाद दोस्तों अब आप सभी को करना क्या, मतलब फिर से कुछ आप लोगों को यहाँ से फिर से आप लोगों को बैक आना। बैक आने के बाद अब आप लोगों को फिर से आप लोगों को शेक इफेक्ट में चला जाना। शेक इफेक्ट में जाने के बाद सेकेंड इमेज वाले पर टच करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर देना। ओके, उसके बाद फिर से आप लोगों को यहाँ से बैक आना, फिर से आप सबको सॉन्ग बीट मार्क में जाना है। सॉन्ग बीट मार्क में जाने के बाद दोस्तों अब आप सबको यहाँ से करना क्या होगा, सिंपल से फिर से आप लोग आगे आ जाए कुछ इस तरीके से जहाँ से दोस्तों हमारा इमेज स्टार्ट आप लोग वहाँ पर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस इमेज पर टच करना है, ठीक है, सेकेंड वाले फोटो पर टच करना है, इसी इमेज पर टच करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर से आप सबको यहाँ से इन दोनों फोटो को छोड़ करके तीसरा फोटो पर आ जाना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर से आप सभी को इन दोनों फोटो को छोड़ करके तीसरा इमेज पर आ जाना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर से इन दोनों फोटो को छोड़ करके तीसरा फोटो पर आना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर से आप सभी को इन दोनों फोटो को छोड़ करके तीसरा फोटो पर आ जाना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। ओके, तो दोस्तों अब आप लोगों को फिर से कुछ उसी तरीके से फिर से दो दो फोटो को छोड़ करके तीसरा फोटो पर आकर के इफेक्ट में जाकर के थ्री रोड पर क्लिक करके दोस्तों पेस्ट इफेक्ट आप सभी को यहाँ से इसी तरीके से कर देना। ठीक है, देख सकते दोस्तों यहाँ से मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आप लोगों को भी कुछ उसी तरीके से दो फोटो को छोड़ करके जहाँ से दोस्तों हमारा तीसरा फोटो आ रहा है आप लोगों को कुछ उसी तरीके से यहाँ पर करना होगा। ठीक है, देख सकते दोस्तों यहाँ से मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आप लोगों को भी कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी करना होगा। ठीक है, देख सकते दोस्तों यहाँ से मैं कर दिया, कर देने के बाद दोस्तों आप सबको कुछ उसी तरीके से लास्ट तक आप लोगों को कर देना। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है, फिर से शेक इफेक्ट में जाना है। शेक इफेक्ट में जाने के बाद अब दोस्तों आप सबको तीसरे वाले फोटो पर टच करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री रोड पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर देना। उसके बाद फिर से बैक आना, बैक आने के बाद फिर से आप सभी को सॉन्ग बीट मार्क पे आप लोगों को चला देना इस तरीके से। ठीक है, सॉन्ग बीट मार्क में जाने के बाद फिर से आप लोगों को यहाँ से कुछ इस तरीके से जहाँ से हमारा इमेज स्टार्ट हुआ आप लोगों को वहाँ पर आ जाना। ठीक है, आ जाने के बाद दोस्तों आप सब यहाँ पर देखते हैं दोनों फोटो में यहाँ पर देखते हैं इफेक्ट लग चुका है। उसके बाद तीसरे वाले फोटो पर टच करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर से आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों फोटो में इफेक्ट लग चुका है, तो फिर से आप सभी को तीसरा फोटो पर टच करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट यहाँ से कर देना। फिर से आप सभी यहाँ इस दोनों फोटो में इफेक्ट लग चुका है, फिर से तीसरा फोटो में जाएंगे, फोटो पर टच करके इफेक्ट में जाएंगे, थ्री पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर से आप सब देखते दो फोटो में इफेक्ट लग चुका है, फिर से तीसरा फोटो में जाएंगे, इफेक्ट में जाएंगे, थ्री पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो दोस्तों अब आप लोगों को कुछ इसी तरीके से दो फोटो में इफेक्ट लग चुका है, जो बाकी फोटो में इफेक्ट बचा है उन सभी फोटो पर टच करके इफेक्ट में जाकर के थ्री पर क्लिक करके दोस्तों आप सभी को यहाँ पर इफेक्ट को पेस्ट कर देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से मैं कर रहा हूँ। कर देने के बाद अब आप सबको यहाँ से करना क्या होगा, वीडियो का स्टार्टिंग तरफ फिर से आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे भाई और दोस्तों कमेंट करते थे कि भैया आप जो सॉन्ग बीट मार्क एक्सएमएल में देते हैं उसका सॉन्ग रिमूव हो जाता था। दोस्तों आप सबको सॉन्ग को एड करने के लिए इस प्लस पर जाना है और मीडिया में जाना है, और यहाँ से दोस्तों आप सबको जिस भी फाइल में सॉन्ग रहेगा उस फाइल में जाकर के दोस्तों आप सब यहाँ से सॉन्ग को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो दोस्तों यहाँ से मैं आप सभी को सॉन्ग को ऐड करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप सभी वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग देखते रहे, ठीक है, तो आप लोगों को पूरी पता चल जाएगा। ठीक है, दिखा देते दोस्तों फ्रेंड्स, मैंने सॉन्ग को ऐड कर दिया हूँ। सॉन्ग वाले वीडियो एड कर देने के बाद अब आप लोगों को कुछ तरीके से ऊपर स्क्रॉल करते जाना है और इस सॉन्ग वाले वीडियो पर टच करना है, थ्री पर क्लिक करके यहाँ से एक्सटेट ऑडियो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को डिलीट कर देना। डिलीट कर देने के बाद आप सभी के लिए वीडियो बनकर हो जाएगा। तो होप
करता हूँ दोस्तों, आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही पसंद और अमेजिंग लगा होगा दोस्तों। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो जो भाई न्यू विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑन करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके तो चलो दोस्तों, आप सभी को मैं इस वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके का बना है। तो दोस्तों देखिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग का भी लग रहा है, तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करने के लिए इस ऊपर वाले एरो पर टच करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक करके आप सभी सेव कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ इसी तरह के अगले इंटरेस्टिंग वीडियो एडिटिंग के साथ।